हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा योगाश्रम। मैं हूं आज आपके साथ श्वेता कपूर। भला कौन नहीं चाहता वो हमेशा एनर्जेटिक रहे, गुड लुक्स उसके पास हो और उसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा होता कितनों के साथ है? पॉइंट इज दैट लगभग किसी के साथ नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये पॉसिबल है कि आप अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि आप बीमार ही ना पड़े? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आयुर्वेद के ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस को एक साथ इकट्ठा करके डॉक्टर नवीन आर्या ने ऐसा पॉसिबल किया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आयुर्वेद योगाश्रम उत्तर भारत का पहला ऐसा सेंटर जहाँ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं कोलोन हाइड्रोथेरेपी से शरीर में व्यक्त पुराने जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर नवीन आर्या एवं डॉक्टर अंजू आर्या आयुर्वेद योगाश्रम में प्रत्येक आने वाले रोगी की पूरी हिस्ट्री लेकर नाड़ी परीक्षा करके रोगी की चिकित्सा के बारे में परामर्श देते हैं। इसमें देश विदेश से हजारों लोगों ने आकर पुराने एवं जटिल रोगों का इलाज करवाया। समय समय पर पंचकर्म, योग और आयुर्वेद के रीफ्रेशर सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदा योगाश्रम के फाउंडर और साथ ही योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्या। तो उनसे मुलाकात की शुरुआत करते हैं। फर्स्टली डॉक्टर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। दोस्तों, इम्यून सिस्टम के बारे में हर कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इस टॉपिक के बारे में और डिटेल से जाना जाए। तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर नवीन आर्या की पूरी टीम हमेशा हेल्प के लिए रेडी है। करना आपको सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। डॉक्टर, आज हम आपसे जानकारी लेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर में इम्यून सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे शरीर में रोज़ाना कभी कोई बैक्टीरिया, कभी कोई वायरस, कभी कोई प्रोटोजोआ, कभी कोई फंगस आके अटैक करता है। और हमारे शरीर की एक अंदरूनी ताकत है जो उससे लड़ती है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। जी, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ एंटीबॉडीज़। ये लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज मिलके हमारे शरीर पे आने वाली जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं उनसे लड़ते हैं। जी। और उस लड़ाई में हमारे अंदर हमारे शरीर की अगर प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमारे शरीर की इंटरनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो वो बीमारियाँ हमें अटैक नहीं करती हैं। इट मीन्स कि इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। जी। लेकिन अगर वो लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से ना बचा सकें और हम दिन प्रतिदिन आए प्रतिदिन हमें कोई ना कोई बीमारी अटैक कर रही हो, तो इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है और हमें बहुत जल्द उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचने चाहिए। जी डॉक्टर नवीन, ये तो आपने हमें बताया कि इम्यून सिस्टम क्या है। एक बहुत ज़रूरी सवाल जो आई एम श्योर जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी के जहन में चल रहा होगा कि क्या रीज़न है जो कैंसर, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें बहुत इजीली हो जाती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम से गड़बड़ी में या इम्यून सिस्टम की कमी से होने वाली मुख्य बीमारियों के आपने कुछ नाम लिए। जी। जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हैं, HIV की प्रॉब्लम है जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं, कैंसर है, SLE है। जी। जिसे हम एक ऐसी प्रॉब्लम कहते हैं जो मल्टीपल सिस्टेमिक को इन्वॉल्व करती है, उसके साथ ही साथ RA फैक्टर की प्रॉब्लम है। तो जितनी सारी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी लो इम्यूनिटी से होती हैं। जी। और इसका जो पहला मूलभूत कारण जो हमारी रिसर्च के बाद आया है और जो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है वो है तनाव। जी। इसके साथ ही साथ वहीं फॉल्टी फूड हैबिट्स। हम अपने घर से निकलते हैं और शाम को वापस घर आते हैं। अगर हमारी उम्र छोटी है तो हम बना नहीं सकते हैं और हम कॉलेज में खाते हैं, कैंटीन में कभी हम चिप्स खा रहे हैं। जी। जितना ज़्यादा हम फास्ट फूड खाते हैं उतने ही लेवल पे हमारी इम्यूनिटी स्लो होती जाती है। ओके। तो फास्ट फूड भी एक सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण जो सबसे अहम है वो है समय से ना खाना, समय से ना उठना। हमने टाइम की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर दी है।
जब हम समय से खाएंगे हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, समय से पाचन होगा, हमारी अग्नि ठीक रहेगी, मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक रहेगा। हम समय से खा ही नहीं रहे हैं और वो उल्टा हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को कम करता जाएगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लो इम्यूनिटी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं, कोई सवाल, कोई प्रश्न है आपके दिमाग में जिसका आंसर आपको नहीं पता है और नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ जाएं, तो आइए हमारे पास। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए और पाइए अपनी क्वेरीज का इंस्टेंट आंसर। डॉक्टर नवीन, आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बार बार बीमार होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कहा भी जाता है कि बड़ों के जितना स्ट्रांग नहीं होता है। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ वाकई इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अब लो है? जब भी बात इम्यून सिस्टम की आएगी हमें इस बात के ऊपर फोकस देना है कि उसके लक्षणों में सबसे पहले थकावट, वो हमेशा पेशेंट फटीग्ड महसूस करेगा, थकावट महसूस करेगा, किसी काम को करने में मन ना लगना या कभी कभी थोड़ा थोड़ा फीवर उसको रहना। और जब लगातार ये उसको लक्षण रहने शुरू हो जाते हैं और उसके साथ हम ये देखते हैं कि इसको, जैसे अभी आपने बताया कि कोई बच्चे हैं उनको ठंड लग गई और वो हर दो महीने बाद ही ठंड लग रही है, अगर खांसी हो रही है हर दो महीने बाद खांसी हो रही है, अगर उस बच्चे को बार बार मोशन लग रही है बार बार मोशन लग रही है, तो ये बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़ों में भी ये चीज़ अक्सर देखी गई है। तो इसलिए जब आपको लक्षण लगे कि आपको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन लगातार हो रही हैं, आप में थकावट की फीलिंग हो रही है, किसी काम को ना करना फीलिंग ऐसी आती है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, और तब समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई इम्यून सिस्टम लो चल रहा है और उसके लिए आपने जल्दी से इसका इलाज करना है और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। डॉक्टर, यहाँ आपने बात करी इलाज की, अब आपसे जानना चाहूँगी आयुर्वेदा योगाश्रम कैसे हेल्प करता है लो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में? आयुर्वेद योगाश्रम ने एक बहुत पुराना सिद्धांत आयुर्वेद का जी पकड़ लिया है, जिसका एक श्लोक में मैं वर्णन करना चाहूँगा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च जी, अर्थात एक स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य को मेंटेन करना और बीमारी के कारण को ठीक करना जी, ये आयुर्वेद है। यानी कि जब आपके पास कोई बीमारी है तब तो ठीक करना ही करना है, लेकिन अगर आप पूरे हेल्दी हैं तो भी आपके इम्यून सिस्टम को बना के रखना हमारी रसायन थेरेपी है। डॉक्टर, जब हम ये किट लेते हैं, इसे यूज करते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो क्या प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, जब भी हमने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है उसमें सबसे पहला चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपने थोड़ा पॉज देना है जी। पॉज किस में आएगा? हमारी लाइफ में। हम इतने तेज से भाग रहे हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमें अपने सांसों को सुनने की और देखने की भी फुर्सत नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा ठहराव, और इसी को आयुर्वेद और योग ने मेडिटेशन का नाम दिया है। बड़ी हैरानी होती है कभी जब अपने हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आइए दो मिनट या पाँच मिनट ध्यान के लिए बैठे, ध्यान में बैठते हैं और पेशेंट कहता है कि सर दो मिनट हो गए हैं अब और ज़्यादा शांत नहीं बैठा जाता, कोई फास्ट म्यूजिक लगाइए या हमें कोई एक्सरसाइज करवाइए, हम शांत नहीं बैठ सकते हैं जी। इम्यून सिस्टम को ठीक करने का सबसे पहला ये हमारा उपाय रहता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए जी। उसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है, योग को अपनाना है। सिर्फ उल्टे सीधे आसन करने को योग नहीं कहते, हमारे ऋषियों ने बताया हुआ है अष्टांग योग, ये लंबी चर्चा है जो कभी फिर हम करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम। अपने आप को स्वस्थ करना है, अपने आसपास के समाज को स्वस्थ करना है, और अगर हम इसी योग को अपनाना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर इम्यूनिटी के लिए किसी भी बाहर के और विटामिन्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। मैं उम्मीद भी ऐसी ही करती हूँ कि एक वक्त ऐसा आए कि हर किसी के शरीर में इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो कि उन्हें ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही साथ हम इसमें किट देते हैं जिसका नाम है लो इम्यूनिटी हीलर किट जी, यानी कि जो हमारी लो हुई इम्यूनिटी को हील करती है, उसको बढ़ाती है। और हमारे पास इस किट में 3-4 ऐसे कम्बिनेशन हैं जो अलग अलग जड़ी बूटियों से लिए गए हैं, और ये कम्बिनेशंस क्या काम करते हैं, ये हमारे अंदर जाकर उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाते हैं जी, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, एंटीबॉडीज़ की स्ट्रेंथनिंग करते हैं,
लिम्फोसाइट्स को बढ़ाते हैं, और एक सिंपल जनरल लेमन भाषा में लिया जाए तो ये हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को, पावर को बढ़ाते हैं। तो ये किट कोई भी ऐसा स्वस्थ आदमी या अस्वस्थ आदमी दोनों ले सकते हैं जी। इसमें रोग होने या ना होने की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जब भी हमें किसी रोगी का कॉल आता है, हम उससे ये पता करते हैं कि उसकी इतिवृत्त क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ये फर्क आएगा कि हमने रोज की डोजेज कितनी देनी है और कितने टाइम पीरियड के लिए देनी है। अगर उसको रोग नहीं होगा तो बड़ी थोड़ी सी लिमिटेड डोज में एक या दो कैप्सूल सुबह और शाम, दैट्स ऑल। लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रही है, फिर उसको कुछ लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं लो इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ, या कोई सवाल है कि कैसे इम्प्रूव करा जाए अपने इम्यून सिस्टम को, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नवीन आर्या को। डॉक्टर आर्य, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, मेरे जहन में ये सवाल काफ़ी देर से भी था, मैं सोच रही थी आपसे पूछूं कि मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रूफ करते हैं, जो दावा करते हैं कि उनसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ये किट उन प्रोडक्ट से किस तरह अलग है? देखिए, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सबसे ज़्यादा विटामिंस, मिनरल्स, कैल्शियम या इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने विटामिन ए नहीं देना, हमने विटामिन डी नहीं देना, हमने कैल्शियम नहीं देना, हमने मिनरल्स नहीं देने, हमने उन हर्ब्स का कम्बिनेशन आपकी बॉडी में देना है जो आपकी बॉडी को खुद ऑर्डर करें कि ये चीज़ हमारे में कमी है तो आप लीजिए, इसको एक्टिवेट करिए। अगर विटामिन ए की कमी है, बजाय इसके कि विटामिन ए दें, हम आपकी बॉडी में वो हर्ब्स का कम्बिनेशन दें जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए को नेचुरली प्रोड्यूस करे। अगर आपके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी है, तो बजाय इसके कि हम विटामिन बी कम्प्लेक्स दें, आपकी बॉडी के अंदर वो हर्ब्स का कम्बिनेशन दें जो नेचुरली विटामिन बी 12 को या उसके बाकी कम्बिनेशन को डेवलप करे। तो हमारा ये मानना है आर्टिफिशियल सप्लीमेंट देने के बदले में हमारे अंदर में वो हर्ब्स का कम्बिनेशन जाए जो आपकी बॉडी को आदेश करे कि ये चीज़ें कमी है, इसको पूरी करिए। ये जानना वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है कि नेचुरल तरीके से भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आर्या फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि लो इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं या कोई क्वेरी है जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा पता, 98 होली सिटी नियर एयरपोर्ट फ्लाईओवर अमृतसर 143001। हमारा फोन नंबर है 07307642200। हमारा ईमेल है info@ayurvedayogashram.com, info@aryanshubble.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedayogashram.com, www.aryanshubble.com। दोस्तों, अच्छी सेहत एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, मगर हमें ऐसा लगता है कि अच्छी सेहत पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा वक्त निकालें और उसमें मिलाएं आयुर्वेद को, तो आप एक निरोगी काया के मालिक बन सकते हैं। यही है मिशन आयुर्वेद योगाश्रम का। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप सभी से बहुत जल्द एक बार फिर आयुर्वेदा योगाश्रम में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।